केस लड़ने के लिए तो बहुत तगड़ी रकम चाहिए होगी। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, पैसे हैं मेरे पास। मेरे शौहर ने मुझे हक मेहर दिया था, कैश और सेवरात है मेरे पास। भाई मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे अंदाजा हो सके कि तुम लड़ भी सकोगी कि नहीं, वरना थोड़ी रकम तो मैं भी अरेंज करके दे सकती हूँ। नहीं नहीं आपकी इतनी मदद ही काफी है, ये बहुत है मेरे लिए। जब अपना समझती हो तो गैरों जैसी बातें क्यों करती हो? बताओ मुझे कितनी रकम चाहिए, मैं कल ही अरेंज कर देती हूँ। नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे बहुत है मेरे पास। वो मेरे शौहर ने मुझे ये फ्लैट और 2 करोड़ का हक मेहर वो दे दिया था। और फिर मेरी मरहुमा माँ ने भी मेरे जेवरात वो सब दे दिए थे मुझे। इसलिए पैसों की कमी नहीं है मुझे, बस कोई मदद करने वाला चाहिए। अरे ऐसा क्यों सोचती हो तुम, मैं हूं ना और हमेशा रहूंगी। बहन कहा है ना, तो बहन बन के दिखाऊंगी। अदालत कभी भी एक कातिल और भी भरोसा करके बच्चे उनके हवाले नहीं करेगी। कैसी बातें कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें सारी कहानी बताई तो थी कि क्या हुआ था। तुम फिर भी कह रही हो कि बच्चे नहीं मिल सकते मुझे मेरे। अरे मैं तो कहती हूँ भाड़ में जाएं बच्चे और उनका बाप। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अदालतों में जाके धक्के खाने की। हाथ कुछ नहीं आना तुम्हारे, रकम भी वकील की फीसों में उड़ा दोगी। इन पैसों का ही तो आसरा है तुम्हें, वो भी चले गए ना सड़क पे आ जाओगी। फिर तुम्हें बताओ क्या करूं मैं। भाई मैं तो कहती हूँ तुम भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा लो। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। शादी फिर से? तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, जब तुम्हारा सबका शौहर दूसरी शादी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। रिश्तेदार नहीं आएंगे? रिश्तेदार तो हमारा यहाँ कोई है नहीं। जो दूर पर एक रिश्तेदार है उनको बुलाने का टाइम ही नहीं मिला। कुछ पड़ोसियों को बुलाया है हमने। इब्रार भी कह रहा था कि सादगी से निकाह करना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा भी तो कोई नहीं यहाँ पे। तुम कहो तो तुम्हारा कमरा सजवा दूँ। मेरा कमरा? मैं शादी के बाद यहाँ रहूँगी? हाँ तो फिर कहाँ रहोगी? मतलब इब्रार का अपना घर तो यूके में है और अम्मी का हैदराबाद में। मैं तो तुम्हें अपने घर ले जाती, लेकिन तुम्हें पता है मेरा फ्लैट छोटा है और मेरे मियाँ भी परसों आने वाले हैं। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारा अपना फ्लैट है ना, और वैसे भी 2-4 माह में तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा और फिर इब्रार तुम्हें यूके ले जाएगा। अच्छा ज़्यादा मत सोचो, चलो आओ चलो।